माजरत, कथा कलामी की माजरत जी। और ब्रेक से पहले बड़ी डिस्कशन चल रही थी यहाँ पे कि लोग साइकिल पे निकलते हैं, क्योंकि अब राहुल लक साहब ने बहुत पहले अपील की थी आवाम से कि बैजा साइकिल थे, लोग अब साइकिल पे निकले हैं और कोविड के दौरान तो बहुत ज्यादा निकले। बिल्कुल जवाब, लेकर उन्होंने आज जानी यानी कि खातून को साइकिल का बोला था, आवाम को नहीं बोला था। लेकिन शफात, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे मोटरसाइकिल्स के और साइकिल वगैरह के जो एक्सीडेंट हैं वो हो जाते हैं, समहाउ जो बंदा चला रहा होता है वो तो बेहोश पड़ा है, वो कैसे इन्फॉर्म करेगा। तो इस तनाजे में आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन किया है हमारे कराची के इंजीनियर्स ने। जी जनाब, और ये हमारे जो होनहार तलबा है, इन्होंने एक ऐसा हेलमेट बनाया है कि जो आपको बसूरत एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता आप बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिसमें जो हेलमेट है वो डैमेज होता है, वो गुजारा तभी होगा कि जब आप जो है वो ऑन रोड होंगे या कोई ऐसी सूरत होगी, तो वो फौरन से बेहतर आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको मुतला कर सकते हैं। बिल्कुल, घर में जैसे आपकी बेगम, आपके वालदे, आपके फादर, तो आपको ठक करके एक मैसेज भी आएगा और साथ में लोकेशन भी आ जाएगी कि एग्जैक्टली ये आवाज़ ये हेलमेट में से नहीं निकलेगी, ये अगर ये मैसेज फौरन आएगा, ये मैसेज है। वो बता रहे कि मैसेज भी कितना फास्ट होगा और उसके ये भी बता देगा कि एग्जैक्टली ये लोकेशन जो है वो कहाँ पर। इसी वाले से बात हमारे साथ मौजूद है जनाब, और जो स्टूडेंट्स हैं माजद सिदरा इलियास हैं और हमारे साथ जयाद साहब मौजूद है। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो हम हेलमेट हम देख रहे हैं कितने अरसे में बना ये इतनी टेक्नोलॉजी वाला हेलमेट? ये हमें एक साल का वक्त मिला था, हमारा FYP था एक्चुअली, तो प्रोजेक्ट जी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमने ये सेलेक्ट किया था कि हम स्मार्ट हेलमेट बनाएंगे। अच्छा ये हेलमेट तो ठीक है, लेकिन ये आपने इसके आगे ये डैशबोर्ड क्यों निकाला? ये डिस्प्ले है एक्चुअली, और गूगल मैप्स वगैरह के लिए है। हम मतलब एक्सीडेंट मतलब रोक तो नहीं सकते कि एक्सीडेंट हो ना, लेकिन जो उसका रिस्क है उसको तो मिनिमाइज कर सकते थे। तो हमने कहा कि बंदा पॉकेट से मोबाइल निकाले ही ना, इसी हेलमेट में सब हो, तो इसमें हेडफोन्स भी हैं और आगे एक डिस्प्ले जो हम उसको गूगल से वो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बाइक चला रहे हो, आपको की कॉल भी आए तो आप आराम से वो कॉल भी ले सकते हैं हेलमेट उतारे बगैर, और अपना हाथ जो है वो बाइक से हटाए बगैर आपको कॉल भी आराम से ले सकते हैं। आपने कहीं जाना हो तो आप गूगल मैप भी आराम से आप पे खोल सकते हैं, वो आपको आपकी स्पीड रहनुमाई भी कर सकता है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये सामने डिस्ट्रैक्ट करे। नहीं, हम एक्चुअली हमने बनाया है इसी उससे कि ये बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा आपको, ट्रांसपेरेंट आप देखें यूज हुआ हुआ है। तो अभी तक इसका तजुर्बा वगैरह ऐसे आप लोगों ने खुद भी किया है? कर रहे हैं हम, इसका टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें असल में वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो जो हमारा जो प्रोजेक्ट होती है स्क्रीन, वो ऐसा लगता है आगे रोड के ऊपर, ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल आंख के मुंह के सामने है। अच्छा ये मुझे बताएं कि वो बाकी सब तो ठीक है, बट आपने कहा ये मोबाइल पे डिस्प्ले देगा, तो वीसी या यूएसबी आउट? ये एक्चुअली है इसकी पावर चार्जिंग देने के लिए। ओके, चार्जेबल है। अच्छा ये चार्जेबल भी है, दैट्स इनक्रेडिबल। और क्या बैटरी है इसकी? मतलब 3 to 4 hours इजीली देते हैं। 3 to 4 hours कनेक्ट कैसे होगा हमारे मोबाइल से? जो हेडफोन्स हैं वो ब्लूटूथ के थ्रू हो रहे हैं, और जो स्क्रीन है वो TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर हो रही है। क्या लागत आई इसकी वैसे? इसके ऊपर जो कॉस्ट आई है वो 45 to 50,000 हो गया। 45 to 50,000 इनक्रेडिबल। अच्छा यार, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप दोनों से पूछूंगा, ये डिस्प्ले जो आपने यहाँ दिया है, ये आप हेलमेट के शीशे में भी दे सकते थे? एग्जैक्टली बिल्कुल दे सकते थे, बट फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे तो अभी प्रोटोटाइप है, इस वजह से अभी इसी को ट्राई किया है। दैट कैन बी एन ऑप्शन। बिल्कुल, इनक्रेडिबल। बाय द वे, वेरी गुड इन्वेंशन, मतलब बहुत जबरदस्त आप लोगों ने इस पे काम किया है, और नजर आ रहा है कि ये लेकिन इसमें जो जो आपने बताया कि जी ये घर वालों को मुतला कर सकता है इन केस हेलमेट डैमेज हो रहा है, क्रैक हो रहा है, तो ये भी इम्कान है कि जो इसके अंदर मशीनरी है वो भी डैमेज हो जाएगी अगर गिरता है, तो ज्यादा से ज्यादा इसके डिस्प्ले को होगा मतलब इफेक्ट, और अंदर की अंदर कंपोनेंट्स वगैरह जो है उनको ऐसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जो फॉर्म है उसके अंदर है, फिर उसके ऊपर उसकी पैकिंग, और हेलमेट का मटेरियल भी ऐसा होता है कि इतना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिदरा और अहमद मुझे बताएं कि इसका मतलब है जो इसके अंदर सेंसर है वो भी आपको बता सकते हैं, गाड़ियों के अंदर सेंसर्स होते हैं, बता देते हैं जी कि साथ वाली गाड़ी बहुत ज्यादा करीब से गुजरी, तो ये वो सेंसर्स भी काम कर सकते हैं। वो फ्यूचर वर्क में भी हमने इस पर किया नहीं है। दैट्स इनक्रेडिबल। सो वैसे इसमें आपने डिस्प्ले दिया है, आपने इसमें क्या जायरो भी दिया? जी दैट्स इनक्रेडिबल। और क्या, और ये आपकी सेल फोन के साथ थ्रू आउट कनेक्टेड है, और जब ये हेलमेट ब्रेक होता है, खुदा ना खास्ता जिसने पहना हुआ है वो गिर जाता है, तो वो स्पीड डायल कैसे एक्टिवेट होगा? वो आपने क्या प्रोग्राम किया इसको? जी, प्रोग्राम किया, जैसे सेंसर्स है ना,
जैसे आपने जायरो की बात की तो वो स्टेबल, अभी स्टेबल कंडीशन पे हेलमेट, जैसे ही वो अनस्टेबल होता है अपने इक्विलिब्रियम से हटता है तो वो फिर इनेबल होगा वो जायरो, और फिर वो जीपीएस से ग्लोबल कराची में अगर वो बेचारे को किसी बंदे को झटका लगा तो वैसे ही उसके घर वालों को मुसलसल मैसेज आते जाएंगे, यही तो पता चल जाएगा कि वो एफबी एरिया में घूम रहे हैं। नहीं, वो जायरो इसको टिप खड़े भी रोड। अच्छा सर, आपसे पूछने जाऊंगा आपका क्या इनपुट रहा है हेलमेट की? एक्चुअली मैं कंप्यूटर सिस्टम मेरा डिसिप्लिन है तो प्रोग्रामिंग, बट हार्डवेयर में भी मैंने पूरा पूरा पार्ट लिया है। तो बड़ी जॉइंट एफर्ट लग रही है सबकी। और आप लोगों का डिसिप्लिन क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं टेलीकम्युनिकेशन का हूँ, यूसीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी मेरा डिसिप्लिन है, कंप्यूटर सिस्टम है और उसका टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा ये बताएं फिर आप लोगों ने कब सोचा कि ठीक है एक बार इसका तजुर्बा कामयाब हो जाए, फिर बाकायदा आपने सोचा है कि आप किसी कंपनीज के पास जाएंगे इसको लेकर, कहीं बातचीत अभी शुरू की हो आपने? हम टीचर से बातचीत कर रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं इसको और थोड़ा इम्प्रूव करो, मतलब टेस्टिंग कर लो अच्छी तरह से, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, फिर हम इंशाल्लाह करते हैं इसके ऊपर। और दुनिया में कहीं इस नौयत का कोई हेलमेट है? डिफरेंट है बट इस तरह के पूरा कंप्लीट जो फीचर्स हमारे साथ है ना, मतलब हमने इसमें जो जो इम्प्लीमेंट किए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है एक हेलमेट के अंदर, मिलेंगे बट डिफरेंटली। अलग से GoPro यूज करते हैं, अलग से माउंट किया हुआ है, इसके अंदर इन बिल्ट है और इसमें आपको कैमरा निकालने कैमरा भी हमने जरूरत नहीं है। ये किधर लगाई है? काम की बात आपने बताई जी, कैमरा भी है कहाँ पे? ये कैप हटाना पड़ेगा। अच्छा ये कैप हटाना पड़ेगा, तो अगर वो आओ दैट्स वेरी नाइस जी, ये कैमरा लगा हुआ है तो होगा ये कि जो यूजुअली जो स्नैचिंग की वारदातें होती हैं बाइकर्स के साथ खासतौर पे, बहुत सारे लोग जो शनाख्ती कार्ड नहीं कैरी कर सकते। एक और चीज, चलिए ठीक है ये अच्छी बात है, हादसा से भी बचाएगा और वैसे भी आपकी हेल्प भी करेगा, और दूसरे में भी खवातीन हजरात तो फिर शौक से अपने हस्बैंड को ही गिफ्ट करेंगे ताकि वो नजर रख सके कि एग्जैक्टली उनके हस्बैंड जो है वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लोकेशन भी जो है वो जरूर उनके पास उनके साथ शेयर होगी। बहुत ये है मिस यूज टेक्नोलॉजी का, ये चेक ये मिस यूज मुझे पता था भी जवाब आएगा। थैंक यू सो मच अहमद जयाद हमारे साथ मौजूद थे और सिद्र अलियास हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच भाई, इतनी जबरदस्त आपने चीज बनाई है। और यहाँ पे शफात बताएं, ब्रेक लेनी है आगे क्या करना है? एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा।